आज की क्लास के दो मेजर टॉपिक्स हैं जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ द वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड जिसको हम केमिस्ट्री वाले शी बोलते हैं एस एच ई अब शी का मतलब तुम अपनी बंदी के बारे में मत सोचने लग जाना ठीक है और जो शी है वो ही के बारे में मत सोचने लग जाना वो तुम बाद में सोच सकते हो मेरी क्लास के टाइम पे नहीं ठीक है अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड की एंड इसी के साथ-साथ देयर इज अनदर टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हिच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सो ये दो बड़े मेजर मेजर से टॉपिक्स हैं जो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास ज्यादा देर किस बात की है, है ना चलो यार अब मैं क्लास का शुभारंभ करूं है ना अब जैसे पंडित जी आते हैं वो हवन वगैरह करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले अपना नाम पता एड्रेस सब बताते हैं है ना तो इसी ही तरह जब मैं अब क्लास स्टार्ट कर रही हूँ तो एक बार मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ so, मुझे जानते हैं जो ऑलरेडी मेरे एस मेरा नाम साक्षी वोरा है जो बच्चे नहीं जानते हैं देखो माय नेम इज साक्षी वोरा एंड आई एम पास आउट ऑफ आईआईटी रुड़की जब मैं टेंथ में थी और ट्वेल्थ में थी दोनों ही साल आई वाज सीबीएसई स्टेट टॉपर आई वॉज ऑल्सो अवार्डेड विद के वी पी वाई फेलोशिप जब मैं ग्रेड ट्वेल्थ में थी एंड लास्ट सेवन ईयर्स से आई हैव बीन टीचिंग केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है ऑनलाइन पढ़ाया है ऑफलाइन पढ़ाया है इंडिया में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है गल्फ में भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ठीक है सो so, ये कुछ छोटी मोटी बातें मेरे बारे में जो शायद लाइक वेन ही स्टार्ट स्टार्टिंग फ्राम सम न्यू टीचर तो हमें पता होनी चाहिए इट रियली गिवस अस अ गुड फीलिंग है ना ओके नाउ वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है देखो uh, मेरा प्लस का कोर्स ऑलमोस्ट अब हर मंथ uh, जे कैटेगरी में लॉन्च होगा ठीक है अप्रैल का भी हुआ था इसी तरह मई जून जुलाई अगस्त तो जैसे जैसे अपकमिंग मंथ्स आते जाएंगे मेरा क्या बहुत सारे टीचर्स का प्लस का कोर्स नए नए बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं सो so, जो बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं गाइस यू कैन सीरियसली गो फॉर दिस थिंग इट इज अ रियली रियली गुड ऑप्शन इन इट जैसे इस महीने मैंने बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया है सो नेक्स्ट मंथ से वी विल बी डूइंग अ कंप्लीट कोर्स ऑल्सो फॉर ग्रेड इलेवंथ एज वेल एज ग्रेड ट्वेल्थ स्टूडेंट्स सो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर प्लस का सब्सक्रिप्शन देखो अब लेने को तुम लोग छोटा एक तीन छ महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ठीक है मेरी एडवाइस मानो मतलब इफ यू आर लाइक मैम आप गाइड कर दो कौन सा लेना चाहिए तो मैं पर्सनली गाइड करूंगी कि यू कैन गो फॉर इधर वन ईयर का या फिर यू शुड गो फॉर टू ईयर का सब्सक्रिप्शन बट जो बच्चे थोड़ा सा लेट लेते हैं वो डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं ठीक है अब सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी प्राइस घटता जाएगा लाइक like, अगर एक साल का लेते हो तो प्राइस है टू ट्रिपल एट पर मंथ और अगर दो साल का लेते हो तो प्राइस है इक्कीस सौ ट्वेंटी जेई की एज वेल एज तुम्हारे सारे स्कूल एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी ठीक है यू कैन यूज द कोड साक्षी लाइव ये कोड यूज कर सकते हो ये कोड है यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड एंड जो भी अमाउंट होगा मतलब वट एवर अमाउंट यू आर गोइंग टू पे उस पर टेन परसेंट फर्दर डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा ठीक है मेरे एसवी आइटम्स के लिए ये कोड किसके मेरे एस वी आईटम्स के लिए सो ऑल माई एस द कोड साक्षी लाइफ जो बच्चे प्लस के साथ मतलब पढ़ाई करने के साथ साथ इफ यू कि मैम वी वॉन्ट थ्रू आउट हमारी स्टडीज हमें गाइड कर सके है ना तो दो स्टूडेंट शुड गो फॉर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन दिस इज ऑल्सो रियली वर्थ इट मतलब जो प्राइस में जितने भी प्राइस में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आई मीन दिस इज ट्रूली वर्थ इट यू कैन टेक माई वर्ड्स यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर टेकिंग ईदर प्लस और आइकॉनिक ठीक है यहाँ पर भी यू कैन यूज द सेम कोड कोड साक्षी लाइव टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ठीक है सो so, ये कुछ फीचर्स हैं जहाँ मैंने प्लस के और आइकॉनिक के बारे में बता रखा है दैट आईल बी टेलिंग यू इन बिटवीन द सेशंस आल्सो ठीक है सो so, अभी के लिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल पहली जो दो स्लाइड्स हैं दे आर एग्जैक्टली सेम जो हमने कल करा था आई थॉट कि अब एकदम से नए सिरे से स्टार्ट कर दूंगी तो बहुत सारे बच्चे बौखला जाएंगे कि ये क्या पढ़ा दिया सो तो थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हुए आगे की तरफ स्टार्ट कर देते हैं ठीक है याद है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या था भाई एक पर्टिकुलर मेटल है उसको हमने उसी के सॉल्यूशन में डिप करके रखा है तो जब मान लो जिंक को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया, तो जिंक की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या फिर अगर कोई और एलिमेंट की मैं बात करती तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना और यही इसी के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि कितनी टेंडेंसी है कि कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले

और अगर मैं सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करती हूँ तो आई रिप्रेजेंट इट एज ई अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करती हूँ आई रिप्रेजेंट इट एट इट एज ई नॉट समझ आ गया था ये ठीक है ये तो हमने हाफ सेल के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स के बारे में बात किया था उसके बाद आई वाज टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन के लिए द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेटिव मतलब चाहे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या फिर रिडक्टिव पोटेंशियल के बारे में बात करो दोनों की वैल्यूज क्या होती है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल हो रही है ये भी हमने किया था इसी के बेस पे नाउ वी विल बी सॉल्विंग वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं डेनियल की स्पेलिंग यहां पर मैंने गलत लिख दिया है डबल एल आएगा ठीक है अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि व्हाट शुड बी द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने ईएमएफ के बारे में भी बात किया था भाई एनोड से इलेक्ट्रॉन को उठा के कैथोड पर लेके जाने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है उसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल है ना अब हम यहीं पर डिस्कस करते हैं देखो मान लो मैंने एक सेल बनाया ठीक है ध्यान से देखते जाना अब एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स में देती जाऊंगी सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे जो बच्चे ये सोचते हैं मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही टफ चैप्टर है उनका एक ये रीजन है कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है सो so, अगर तुम लोग अपने बेसिक्स क्लियर कर, कर चलते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द सुपर सुपर इजी चैप्टर ठीक है एक सेकेंड रुक जाओ मुझे ए ऑन करने दो ए ऑन करना मैं भूल गया और यहां बहुत गर्मी हो गई है एक सेकेंड ना ओके चलो लेट गेट स्टार्ट मान लो मेरे पास जेड एंड टू प्लस का एक्वस सोल्यूशन है मतलब जिंक सल्फेट मान लो ठीक है और यहाँ पर मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड डाल रखी है ये मेरे पास कॉपर टू प्लस का एक्वस सोल्यूशन है मान लो ऐसा और मैंने यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रोड डाल रखी है समझ रहे हो इस कहानी को फिर हमने बीच में क्या लगा दिया सॉल्ट ब्रिज और साइडों में लगा दिया एक बल्ब ठीक है वायर के थ्रू एक बल्ब लगा दिया अब इतना तो तुम्हें पिछली सारी क्लासेस से समझ आ गया कि मैम ये तो होता है कैट बिल्ली और ये होता है एनोड मतलब एंट ये एंट है छोटी सी वो कीड़ी और ये बिल्ली कैट है कैथोड है ये एनोड है कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन इस इस तक की कहानी में तो किसी को कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए मान लो मैंने यहां से बल्ब हटा दिया बल्ब हटाया और मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया वोल्ट मीटर क्या करता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा है ना अगर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया मैं पूछ रही हूँ बताओ वट इज द ई एम एफ ऑफ द सेल तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे बड़े ध्यान से देखते जाओ वट शुड बी द फॉर्मूला दैट शुड बी यूज E फॉर सेल या मैं E नॉट निकालना सिखाती हूँ मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट कैट का मतलब बिल्ली का माइनस E नॉट एंट का एनोड का ठीक है ना छोटी सी कीड़ी का बिल्ली में से माइनस कर दो कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें से रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का माइनस कर दो अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जब भी मैं रिडक्शन पोटेंशियल जब भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूंगी मैं हमेशा हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात कर रही हूँ ठीक है so, सो ई नॉट कैथोड पे क्या है कॉपर तो देखना कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब सी यू टू प्लस से सीयू माइनस ई नॉट यहां पर क्या है जिंक जिंक का रिडक्शन लेना है ध्यान रखना जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है आई टोटली मैं इस बात को करती कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, बट जब मेरे को फॉर्मूला में लिखना होता है तो आई ऑलवेज मेंशन रिडक्शन पोटेंशियल सो ई नॉट ऑफ जेड एंड टू प्लस से लेकर जेड एन अब ये वैल्यूज वैसे तो पेपर में दी होंगी बट आई थिंक तुम लोग स्मार्ट एनफ हमने पिछली क्लास में किया भी था देखना ई नॉट ऑफ Zn से Zn2+ ध्यान से देखो Zn से Zn2+ जाने का E0 है 0.76 सो so, अगर मैं लिखूं E0 नॉट ऑफ Zn2+ से Zn में आने के लिए तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा -0.76 बच्चों वाली कहानी आगे देखना कॉपर 2+ से कॉपर जाना है तो E0 कितना है 0.34 तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो जस्ट सब्स्टिट्यूटेड देयर क्या बन जाएगा 0.34 माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स इसको सॉल्व करो यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आ गया सो आई थिंक वन पॉइंट वन आएगा सात तीन दस और छ चार आ, हाँ तो बस सॉल्व कर लेना यू विल इजीली बी गेटिंग द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया समझ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दो अदरवाइज वी विल कंटिन्यू फर्दर ठीक है क्लियर हो गया सबको डन आगे करें ठीक है चलो बढ़िया अब जिसको यहां पर नहीं समझ आया ये यह यहां पर मैंने लिख रखा है ऑफ e सेल अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में मुझे अप्लाई करना पड़ता नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन और यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में मुझे अप्लाई सी यू माइनस ई नॉट ऑफ जेड एन टू प्लस से जेड एन बात खत्म अगर नॉन स्टैंडर्ड होती तो ई ऑफ सी यू टू प्लस से सी यू माइनस ई ऑफ जेड एन टू प्लस से जेड एन एक पते की बात मैं वापस से बता देती हूँ ध्यान से सुन लो अगर मुझे पूरे सेल का ई या फिर ई नॉट निकालना है तो मैं क्या करूंगी ई नॉट कैट का बिल्ली का मतलब कैथोड का माइनस ई नॉट एंट का छोटी सी कीड़ी का समझ आ गया एंट मतलब एनोड मान लो यार ठीक है एंड लिख लो एंट तो कैट में से एंड को माइनस करना है याद रखना ये भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए एंड ये भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए दोनों के दोनों हमारे रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए कि पे ऑक्सीडेशन होती है अपना एक क्वेश्चन करके दिखा दो ये बहुत ही पुराने जमाने का ए आई ट्रिपल ई टू थाउजेंड फोर का क्वेश्चन है बट इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी अगर ये क्वेश्चन तुमसे हो गया मतलब इस टाइप के सारे आने वाले क्वेश्चन तुम कर पाओगे

मैं तुम्हें करना सिखा रही हूं एफ ई थ्री प्लस रिड्यूज हो रहा है और ई नॉट कितना दे रखा है जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट ठीक है और एस एन टू प्लस से एस एन बन रहा है मतलब तीन भी रिड्यूज हो रहा है और इसका ई नॉट है माइनस जीरो पॉइंट वन फोर वोल्ट दोनों उसने दे रखे हैं अब उसने कहा है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन द पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन एक रिएक्शन दे रखी है पता है अब उसने ना सेल नहीं बना के दिया मतलब उसने ये नहीं दिया कि ये एनोड है ये कैथोड है अब हमें खुद से सोचना है कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा ठीक है तो इसका ई एम एफ निकालना है मैंने कहा यार तू सेल दे दे। वो भैया सेल दे देता तो ठीक है उसने रिएक्शन दे दी तो ठीक है हम तो एस वी आइटम से हमें सारी चीज आनी चाहिए तो क्या मैं लिख सकती हूँ देखो ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछा ना तो ई नॉट ऑफ द सेल ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है ई नॉट बिल्ली माइनस ई नॉट कीड़ी कीड़ी मतलब एंड तो बिल्ली में से एंड को माइनस कर देना आ गया ई नॉट अब देखना यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए और कैथोड पे रिडक्शन तो हो रही है, तो है। किसकी रिडक्शन हो रही है एफई थ्री प्लस कहां पर रिड्यूज होकर जा रहा है एफई टू प्लस में मतलब रिडक्शन हो रही है ना एफ थ्री प्लस की तो यहाँ लिख दो ई नॉट एफ्री प्लस से एफ टू प्लस माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है देखना टिन की ऑक्सीडेशन हो रही है टू एस एन प्लस टू बट यहाँ लिखते टाइम क्या लिखोगे लिखते टाइम हमेशा हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है भाई साहब जो तो तुम इस टाइम अपनी बंदियों से अपने बंदों से बात कर रहे हो ठीक है तो तुम ये चीज नहीं सुनोगे बाद में पेपर में यही प्लस माइनस की गलती करके आओगे और स्वाद मिट्टी बिल्कुल तुम्हारा जेई में सिलेक्शन नहीं होगा तो ये बात याद रख लो लिखते टाइम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है बेशक किसी की ऑक्सीडेशन हो रही हो कोई दिक्कत नहीं है बट लिखते टाइम क्या लिखोगे रिडक्शन पोटेंशियल तो मैं लिख दूंगी Sn2+ से लेकर Sn ठीक है ना अब E0 Fe3+ से Fe2+ कितना दे रखा है 0.77 माइनस E0 Sn2+ से Sn कितना दे रखा है माइनस -0.414 वोल्ट्स ये वोल्ट्स था इसको सॉल्व कर लेना यू विल बी गेटिंग द आंसर 7 4 11 पीछे वन आना चाहिए ये है नहीं ये है नहीं ये है नहीं सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आ गया ठीक है अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट आएगा मैम एक मिनट ना मिनट आपने क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया बट जेई वाला इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा आपने गलती करी है फिर बच्चे सोचेंगे मैम यहाँ पे ना टू एफ ई थ्री प्लस टू एफ वी टू प्लस हो रहा था तो आपको इसको टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए था मैडम गलत कर दिया आपने

कि मान लो एक रिएक्शन है ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये ए बना रहा है इसका ई नॉट है लेट्स से 0.6 वोल्ट्स ये है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर भी दूं तब भी ई नॉट क्या रहेगा 0.6 वोल्ट्स अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड कर भी दिया तब भी इसका ई नॉट कितना रहेगा 0.6 वोल्ट्स अगर मैंने इस रिएक्शन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी इसका E नॉट कितना रहेगा 0.60 वोल्ट कहने का मतलब अगर तुमने एक रिएक्शन को 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी किसी चीज से भी मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब रिएक्शन की इंट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी थी रिएक्शन की प्रॉपर्टी टेंडेंसी जो थी वो उसकी पोटेंशियल उतना ही रहेगा मतलब अगर एक जिंक को दो इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं टू फॉर्म Zn2+ वो मतलब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करेगा अब चाहे दो जिंक को करने पड़े चार जिंक को करने पड़े हर एक का वो पोटेंशियल सेम रहेगा समझ आ गई सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिंस ई नॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी आई विल नॉट बी मल्टीप्लाइंग एनी टू और थ्री और एनी सोशोमेट्रिक कोट ये एक बहुत बेसिक सी मिस्टेक uh, होती है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे करते हैं सो माई एस वी आईटम्स हैव टू बी रियली केयरफुल अगर किसी क्वेश्चन में अगर किसी इक्वेशन में टू थ्री फोर मतलब कोई भी स्टोशियोमेट्रिक को दिखाई दे रहा है तो ई नॉट सेल को उससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे बिकॉज ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ आ गया सो दिस इज वन पार्ट ऑफ आर सेशन विच इज ओवर नाउ आई विल मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन जो टॉपिक है उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड शी शी मतलब स्त्री नहीं स्त्री के मैं बारे में बात नहीं करूंगी स्त्री में बहुत ही पावर होती है पावरफुल होती है हम स्त्रियां बट हम स्त्री के बारे में बात स्त्री मूवी भी तो थी ना ओ स्त्री कल आना ऐसी थी यार अलग लेवल की मूवी थी भाई साहब मतलब ऊपर से गई मेरे सारी चीजें ठीक है तो हम इस टॉपिक को नहीं बोल सकते हैं कि ओ स्त्री कल आना आज ही करा लो यार छोटे मोटे सा टॉपिक है एस एच ई एकदम बॉनविटा टाइप टॉपिक है फाउंडेशन फॉर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ध्यान से समझते हैं। हमने क्या करना है एच एच ई की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब मुझे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनानी है बट इन कंडीशन अब देखा जाए तो बचपन से मैंने तुम्हें क्या सिखाया

AGNO3 के में ऐसे ही करते आ रहे थे अब मुझे बताओ क्या तो तुम एक सॉलिड मटीरियल हाइड्रोजन का ले सकते हो हाइड्रोजन तो गैस होती है ना उसको कैसे सॉलिड पाइप की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे एक सॉलिड हाइड्रोजन का पेन मतलब एक पेन सॉलिड हाइड्रोजन से बना हुआ ऐसा तो हो नहीं सकता है ना तो जब जो हमारा इलेक्ट्रोड का सरफेस है वही डिफाइंड नहीं है तो मतलब मैं हाइड्रोजन को H प्लस में नहीं ले सकती दिस विल नॉट फुलफिल आर रिक्वायरमेंट समझ आ गई ये बात ठीक है अब मुझे क्या करना पड़ेगा बड़े ध्यान से देखो इसके लिए मैं क्या करूंगी मैं पता क्या करूँगी एक ना ऐसी मोटी सी थिक वायर ले लूंगी एक ऐसे मटेरियल की लूंगी जो इनर्ट है नेचर में जो बिल्कुल भी रिएक्शन ना करे एकदम साव इनर्ट साधु पर साधु संत परमात्मा के जैसे जो जिसको किसी से मोह माया नहीं है एंड वन सच एग्जाम्पल दैट वी हैव इज प्लैटिनम ऑल दो महंगा आता है बट मैंने प्लैटिनम की एक थिक सी वायर ले ली ठीक है अब प्लैटिनम के ऊपर ना कुछ वेकेंट साइट्स होती है वो वेकेंट साइट्स क्या करती हैं ठीक है वो वेकेंट साइट क्या करती है उसके ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है लेट मी स्पेसिफिकली से द टर्म ए डी एस ओ आर बी इसके बारे में विस्तार में हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी विल बी मूविंग टू तो फिफ्थ चैप्टर ऑल्सो वहां पर बता दूंगी आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन द चैप्टर राइट तो तुम्हें एड्जॉप्शन का मतलब अब तक समझ आ गया होगा एड्जॉप्शन का मतलब है अगर सर्फ सरफेस पर मतलब इलेक्ट्रॉड की सिर्फ सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर चिपक जाए तो होता पता क्या है हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस पे आकर चिपक जाते हैं अब देखना हमारा काम हो गया ना हम हाइड्रोजन को किसी सरफेस पे लाना चाहते थे तो ये हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस पे आके चिपक गए अब हमने एक डब्बा लिया डब्बे में मैंने एक एच सी एल या एच प्लस का कोई भी एक्वा सॉल्यूशन डाल दिया जहां पर एच प्लस आइंस हो बन गया ना हाफ सेल यही तो हाफ सेल है और इसी हाफ सेल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तब बोलेंगे जब मैंने एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली होगी वन मोल है और जो हाइड्रोजन गैस डाली है एक बात बताओ ऐसे तो ये सारी गैस उड़ जाएगी तो हम इसको एक डब्बे में ऐसे इसमें इन्वर्टेड यूट्यूब में एनक्लोज कर देते हैं यहाँ से हाइड्रोजन जा भी सकता है अंदर भी आ सकता है तो अगर हाइड्रोजन अंदर आएगा या बाहर आएगा इट विल बी डन एट अ प्रेशर ऑफ वन बार टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है अगर गिवन नहीं है तो यू कैन टेक द टेम्परेचर एज़ 298 केल्विन ये बन गया शी स्त्री बन गई स्त्री समझ रहे हो ठीक है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अब ये तो मैंने अपनी देसी भाषा में सबको समझा दिया कई बच्चों को होता है कि मैम आप बकवास मत किया करो आप सिंपल ना हमें लाइन बाय लाइन रटवा दो लिखवा दो है ना जो बच्चे सिर्फ नोट्स लेने में बिलीव करते हैं कोई दिक्कत नहीं है यार इट इज़ टोटली अप टू यू है ना कि तुम कैसे पढ़ाई करते हो पढ़ाई करनी चाहिए कई बच्चों को बिना नोट्स लिखे समझ आ जाता है तो भी तुम ग्रेट हो कई लोगों को विद नोट्स समझ आता है तो भी तुम ग्रेट हो हर बंदे का पढ़ने का तरीका अलग होता है ना सो आई एम इन फेवर ऑफ ऑल द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है नोट्स देख लेते हैं

प्लैटिनम क्यों नहीं लिया कुछ और क्यों नहीं लिया मतलब आई मीन प्लैटिनम ही क्यों लिया कुछ और क्यों नहीं लिया तो मैं दो तीन चीजें तुम्हें बता देती हूँ प्लैटिनम लेने के दो तीन कारण हैं कारण नंबर कि वो ऑलमोस्ट इनर्ट होती है वो किसी और सॉल्यूशन के साथ जैसे उसको एच प्लस के सॉल्यूशन में डिप करोगे उसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती जो हाइड्रोजन उस पर एबजॉर्ब होगी उसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती ठीक है तो इट इज इनर्ट पॉइंट नंबर टू प्लैटिनम को हाइड्रोजन से बहुत प्यार है मतलब तुम्हें पता है मैं एक रास की बात बताती हूँ हाइड्रोजन प्लेटिनम का एक क्रश है ठीक है मतलब हाइड्रोजन प्लेटिनम का क्रश है तो जैसे ही प्लेटिनम का सरफेस होता है ना और हाइड्रोजन ऐसे आ रही होती है तो प्लेटिनम एकदम से मतलब ऐसे खड़ा हो जाता है हाँ तो सारी की सारी हाइड्रोजन आके उस पर एब्सॉर्ब हो जाती है मतलब कहने का मतलब साइंस की भाषा में ये कि हाइड्रोजन की एब्जॉर्बन पावर मतलब द पावर ऑफ हाइड्रोजन टू गेट एबजॉर्ब डाउन टू दर्फेस ऑफ प्लेटिनम बहुत ज्यादा है तो इसीलिए हम प्लेटिनम का सर्फेस ले लेते हैं ठीक है द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड इज इन एन एक्वस कंटेनिंग ये जो फोर्थ पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है uh, मैंने कहा था कि या तो जो हाइड्रोजन गैस है दोबारा देखना मैंने ये पॉइंट बोला था ना ध्यान से देखो कि हाइड्रोजन गैस अंदर भी आ सकती है और हाइड्रोजन गैस बाहर भी जा सकती है अब तुम सोच रहे होगे कि मैम इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब मैं अभी समझा रही हूँ ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हमने बनाया ना वो रिवर्सिबल हाफ सेल है पता है कैसे मतलब मैं ऑक्सीडेशन करवा कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर हाफ सेल पे मैं रिडक्शन भी कैरी आउट करा सकती हूँ यार इसका ई नॉट तभी तो जीरो लिया जाता है मतलब बाकी सबका अगर हम देखें तो इसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है इसका जीरो है तो ये ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है ये रिडक्शन भी शो कर सकता है इसके बारे में ज्यादा विस्तार में जानकारी हम अगली स्लाइड में पाएंगे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिखती कैसे है बनती कैसे है ये मैं तुम्हें फिगर के हिसाब से बता देती हूँ पहले देसी फिगर डल डल फिगर नॉर्मल लोगों के लिए जिनकी नयन नयन जो शक्ति है नेत्र शक्ति काफी सही है उनको इसी में विजुअलाइज हो जाती है चीजें नीचे मैंने ले लिया वन मोलर एच सी एल का एक्वा सोल्यूशन एक ऐसे इन्वर्टेड से ट्यूब लगाई जहां पर प्लैटिनम ब्लैक है प्लेटनाइज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विच इज कवर्ड इन प्लैटिनम ब्लैक ठीक है मतलब ये उसके सरफेस को सरफेस पे छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर रखे हैं ये एच सी एल का सॉल्यूशन है यहाँ पर ये यह जो प्लैटिनम की जो वायर है ये यहाँ से वायर अटैच करी टू द हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये प्लैटिनम की वायर है ये हाइड्रोजन गैस हम डाल रहे हैं एट वन एटीएम प्रेशर सेल कैसे काम करेगा अभी बताऊंगी जिनको आम देसी फिगर से समझ नहीं आता जिनको थोड़ी मॉडर्न फिगर से समझ आता है वो देख लो कुछ ऐसा सा दिखता है जिनको अब समझ आ गया होगा नीचे ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है तुम्हें ये H प्लस का सॉल्यूशन है बहुत सारे एच प्लस सॉल्यूशन में एक ऐसी सी ट्यूब ली जाती है जो टोटली totally कवर्ड है नहीं तो सारी हाइड्रोजन गैस एस्केप कर जाएगी तो उसको सील कर रखा होता है और ये पतली सी प्लेटिनम की वायर डाली जाती है ये प्लेटिनम ब्लैक का सरफेस है ये इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप कर दिया गया समझ आ गया यहाँ से हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करी जा रही है देख रहे हो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इस पूरे ट्यूब में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस है क्या रिएक्शन होगी वो अभी हम समझाएंगे अभी समझ समझेंगे बट पहले बता दो मतलब एक एक चीज को तुम समझ पा रहे हो ये नेत्र जो नया ना तुम्हारी तीसरी आंख खुल पा रही है या नहीं यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से बता दो ज एवरी थिंग ओके टिल हियर ऑल गुड फिर वी विल कंटिन्यू फर्दर ठीक है आगे देखना जरा अब मैं तुम्हें बताती हूं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड जो है वो ऑक्सीडेशन भी शो कर सकती है रिडक्शन भी शो कर सकती है बड़े ध्यान से देखो ध्यान से हाँ तुम्हें याद है मैंने हमेशा दो डब्बे लिए थे दो हाफ से लिए थे ये जो दो हाफसेल है मैं इनको ऐसे लगभग ऐसे ऐसा ऐसा बना देती हूँ ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं ये लगभग कुछ ऐसा है ब्ला 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 ये सारी चीजें हो रही है ठीक है मान लो ये एनोड है ना इसको मैंने हटा करके यहाँ पर स्त्री को रख दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने यहाँ रख दिया अब एक बात बताओ अगर मैंने एनोड बनाया किसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब ऐसे हम बनाते नहीं है कि ये एनोड है हम दो सेल रख देते हैं कोई भी दो सेल मतलब मान लो एक जिंक का सेल एक हाइड्रोजन का सेल मैंने रख दिया ठीक है जब रिएक्शन हो रही होती है तो हमें पता चलता है ओ जिंक वाला एनोड है या कैथोड है ठीक है वो कैसे पता चलती है वो भी अभी धीरे धीरे आगे बताऊंगी वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के यूजेस है वो भी अभी करेंगे मान लो मान लो कैथोड में मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ कि हमने क्या रखा लेटर से एनोड पे स्त्री पड़ी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन स्टेट में टू एच प्लस इन द एक्टेट हो गई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस अगर स्त्री जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरह एक्ट करेगी ठीक है अगर मान लो मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह ना रखकर लेटस से कैथोड पे रख दिया होता ठीक है कैथोड पे हमने स्त्री रख दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख दी तो सोचना कैथोड पे तो रिडक्शन होती है ना तो क्या होगा तो दो H प्लस जो एक्वस सॉल्यूशन में थे वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे हाइड्रोजन गैस तो आई होप ये दोनों के दोनों हाफ सेल रिएक्शन क्लियर है वॉट इफ अगर स्त्री जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एनोड की तरह रिएक्ट करे या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह रिएक्शन करे तो कैसे कैसे रिएक्शन होंगी ये क्लियर हो गया अब यहां से ये चीज समझ आ गई होगी कि क्यों मैंने लिखा था कि गैस अंदर जा रही है या गैस बाहर भी निकल सकती है ध्यान से देखो अगर हम गैस को अंदर जाने को बोल रहे हैं मतलब गैस की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो टू एच प्लस में कन्वर्ट हो रहा है गैस अंदर जाती जा रही है जाती जा रही है जाती जा रही है दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन्स वायर पर आ जाएंगे और सॉल्यूशन के अंदर एच प्लस आता जाएगा एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी है ना मान लो इसी को मैंने कैथोड की तरह रिएक्शन कराया कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन तो होगा क्या अंदर से दो एच प्लस किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगी तभी मैंने बोला था इट इज अ रिवर्सिबल हाफ सेल ये एनोड की तरह भी कैथोड की तरह दोनों की तरह रिएक्शन शो कर सकता है ठीक है so, सो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करे तो रिएक्शन क्या होगी हाइड्रोजन विल फॉर्म टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करे तो रिएक्शन क्या हो गई टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एच टू समझ आ गया यहां तक की चीज क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है सेल रिप्रेजेंटेशन सुपर इंपॉर्टेंट है नई चीज है थोड़ी सी अभी तक हमने नहीं करी है फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसा सा सेल दिखेगा ठीक है मान लो एनोड पे क्या लगाया मैंने स्त्री एनोड पे लगा दिया तो स्त्री को बना देते हैं ठीक है थीके? कुछ इस तरीके की स्त्री दिखती है ये एच प्लस है यहाँ पर एक प्लेटिनम की वायर लगाई थी जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर रखी है समझ रहे हो यहाँ पर ऐसे एक डब्बा सा लगा दिया गैस अंदर जा रही है बाहर आ रही है यहाँ पे बल्ब है यहाँ पे कैथोड पे मुझे नहीं पता क्या है आई एम नॉट श्योर कैथोड पे क्या है वो जो भी है छोड़ देंगे ठीक है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है इतना तो समझ सकते हो ना अब इसका मुझे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो भाई सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो कल मैंने कहा था ना इसे चींटी बन जाना छोटी सी चींटी यहाँ से स्टार्ट करेंगे

हमारी जो स्त्री है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह बिहेव करेगी तो हम ऐसे से सेल को रिप्रेजेंट करेंगे समझ आ गया कैथोड में देखेंगे जो भी फिट करेंगे वो हम यहाँ पर बाद में लिख देंगे ये चीज क्लियर है मान लो यही मैंने रिवर्स केस ले लिया होता कोई खाली स्लाइड है तो समझा देती हूं यही मान लो मैंने रिवर्स केस ले लिया होता अरे एक भी खाली स्लाइड नहीं है ये क्या हो गया ये हटा दो इरेज ऑल इन देखना अगर मुझे नहीं पता एनोड पे क्या है ठीक है ये वायर लगा हुआ है ये प्लेटिनम की वायर है है हाँ ना इस प्लेटिनम की वायर पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर रखी है इसको एच प्लस के सॉल्यूशन में डाल रखा है और ये ऐसे ग्लास की ट्यूब से लगा रखी है है हाँ ना मतलब ये कैथोड है अब कैथोड है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये सॉल्ट ब्रिज है पहले क्या लगा सॉल्ट ब्रिज है हाँ ना पहले सॉल्ट ब्रिज ये यहाँ से स्टार्ट कर दो मतलब ये वायर है ना यहाँ से ये चींटी चीटी चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है सबसे पहले चीटी को क्या टच हुआ प्लेटिनम तो सबसे लास्ट में लिख दो फिर को क्या टच हुआ हाइड्रोजन गैस तो एक लाइन ड्रॉ करो लिख दो हाइड्रोजन गैस फिर फिर को क्या टच हुआ H लाइन ग्रॉ करो लिख दो H प्लस एक्स फिर चीटी को क्या टच हुआ सॉल्ट ब्रिज यहां पर डबल लाइन डाल के लिख दो सॉल्ट ब्रिज तो ये तब रिप्रेजेंटेशन होगी सेल की अगर जो हमारी स्त्री है स्त्री ऐसे ही लिखते हैं क्या स्त्री हाँ तो जो हमारी स्त्री है मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अगर वो कैथोड की तरह बिहेव करेगी तो उसकी है अगर शी इज कैथोड तो ये दिखेगा आई होप तो ये, ये पूरी की पूरी स्लाइड सबको अच्छे से समझ आ गई होगी आ गई है ना एकदम लल पलल टॉपिक मतलब देखने में लग रहा साहब क्या टॉपिक है अंदर झांक के देखो तो टॉपिक से

अगर एक बार ये यूज समझ आ गया तो बहुत इजीली वी विल बी स्विचिंग ऑन टू आर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी तो यूजेस क्या है ध्यान से देखो मैंने क्या कहा था पता है जो हमारी स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ना स्टैंडर्ड कन्वेंशन जब एक मीटिंग बैठती है पूरी साइंटिस्ट वगैरह की है ये जो केमिस्ट वगैरह होते हैं इनकी मीटिंग बैठती है इन्होंने डिसाइड किया कहते हैं हाइड्रोजन का अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस उसत्री को उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू को तुम जीरो वोल्ट मान लो मतलब सिंपली क्लियर कट तरीके से कह दो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है जीरो ये हमें पता है फिर पता क्या हुआ ध्यान से देखना मैं तुम्हें समझाती जाती हूँ अब लोगों ने कहा चलो आपने हाइड्रोजन का तो जीरो मान लिया कोई दिक्कत की बात नहीं हुई कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो है कहते जिंक का निकाल के बताओ नॉट जेड एन सेन टू प्लस की क्या वैल्यू होगी कहते E नॉट कॉपर से कॉपर टू प्लस की क्या वैल्यू होगी E नॉट ए जी प्लस से एजी की क्या वैल्यू होगी तो लोगों के पास क्वेश्चन भाई बताओ आंसर क्या होगा तो लोगों ने कहा देखो मतलब साइंटिस्टों ने कहा देखो शांति रखो शांति हम तुम्हें सब कुछ समझाएंगे ठीक है कहते एक डब्बा ले लो डब्बा ले लो ध्यान से समझना इस चीज को डब्बे में तुम डाल लो जिंक जिंक का सॉल्यूशन मान लो जेड एंड एसओ फोर तुमने डाल दिया मगर उन्होंने कहा स्टैंडर्ड स्टेट में डालना तो तुम वन मोलर जेड एंड एसओ फोर का सॉल्यूशन डाल दो ठीक है फिर कहते हैं जिंक की इलेक्ट्रोड ले आ, ले आओ, वो यहां पर लगा दो मतलब कहने का तात्पर्य यह है, है इसको हटा देते हैं में समझाती कहते हैं काम करो एक डब्बा लो डब्बे में तुम जेड एन एसओ फोर रख दो रख दिया वन मोलर होना चाहिए और इसके बाद इसके अंदर जिंक की इलेक्ट्रोड डाल दो लोगों ने कहा ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है हम लगा देते हैं ठीक है थीके? साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि ये एनोड है वो कैथोड है ना उन्होंने कहा एक डब्बे में मतलब जिंक का हाफ सेल प्रिपेयर कर लो फिर कहते एक और डब्बा लो उस डब्बे में ना एच प्लस डाल दोन देना ना? फिर वो कहते इसको ऐसे प्लेटिनम वायर के अंदर ऐसे रखो पूरा मतलब शी बना दो यार बना दो ना उसने कहा है बना दो तो तुम भी बना दो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ भी सकती है जा भी सकती है ये वन बार पे आएगी या जाएगी समझ रहे हो कहानी फिर पता क्या कहते है ते इन दोनों को ना कनेक्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर क्या बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस है ना फिर कहते हैं यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा दो अब सॉल्ट ब्रिज में तुम के सी एल डाल दोनो थ्री डाल दो इसके बारे में हम ऑलरेडी विस्तार में चर्चा कर चुके हैं वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट सॉल्ट ब्रिज वन सगैन ये हम पढ़ चुके हैं ठीक है थीके? अब हुआ पता क्या पता कैसे लोगों ने सोचा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूज हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है ना वोल्ट मीटर में रीडिंग आ गई जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट

अब लोगों ने सोचा हमें पता कैसे चलेगा कि एनोड क्या है कैथोड क्या, क्या है ठीक है तो पता है एक बंदा आया दूर से कहता एनोड मतलब ऑक्सीडेशन तो मान लो अगर जिंक एनोड होगा तो बाहर निकाल के देखो जिंक नीचे से पतला होता जा रहा होगा ठीक है तो जैसे उसने इसको बाहर निकाल के देखा तो पता चला भाई सब जिंक तो सच में उसकी थिकनेस कम होती जा रही है तो जैसे ही पता चला जिंक की थिकनेस कम होती जा रही है ठीक है बाहर क्यों निकालोगे ये ट्रांसपेरेंट होता तो यही से पता चल जाएगा कि जिंक की थिकनेस कम हो रही है मतलब ये जो पूरा डब्बा है इट मस्ट बी एक्टिंग एज एनोड मतलब इट मस्ट बी शोइंग ऑक्सीडेशन तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला डब्बा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो राइट हैंड साइड वाला डब्बा विल बी शोइंग रिडक्शन आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए है ना फिर कहते हैं यार हमने तो तुम्हें ऑलरेडी रटवा रखा है क्या ई नॉट ऑफ द सेल मतलब ई नॉट ऑफ बिल्ली माइनस ई नॉट ऑफ चीटी कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो ई नॉट सेल आ गया E0 cell कितना आ रहा है? है। है बहुत बढ़िया। यार ये तो hydrogen है। hydrogen तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का होता है। zero. Minus E0. Anode पे क्या है जिंक और यहाँ रखते क्या है रिडक्शन पोटेंशियल तो ZN से ZN. लो भाई साहब आल्यू वैल्यू जीरो तो गया तो अब यहां से ये चीज निकल के आ गई ऑफ Zn से ZN, मतलब का 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 कितना कितना है volt. अगर Zinc का, Zinc 2 का reduction potential है volt, है अगर ना तो होगा भाई साहब एक example में मैंने तुम्हें जिंक का निकालना सिखा दिया ठीक है अब मान लो किसी ने क्या जिंक की बजाय कॉपर और कॉपर सल्फेट का करो फिर किसी ने कहा जिंक की बजाय एजी और ए जी एनओ थ्री का कर लो तो अब तुम सारे के सारे हाफ सेल्स यहाँ पर इसको फिक्स इसको फिक्स फिक्स रखना यू हैव टू कीप इट रेफरेंस रख देना एक एक करके एक एक हाफ सेल को हटाते जाना तो तुम्हारे पास नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर टू प्लस जिंक से जिंक टू प्लस एजी से एजी प्लस है ना एफ थ्री प्लस से एफ ई टू प्लस ये सारे ई e नॉट तुम्हारे पास आ जाएंगे यही तो काम आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का मान लो मैं इसको स्टैंडर्ड मानती ही ना

अलग अलग हाफ सेल मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दो अलग अलग हाफ सेल्स को यहाँ पर कनेक्ट करते जाओ तुम्हारे पास सारे हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा क्या ये बात अच्छे से सबको दिमाग में घुस चुकी है किसी को कोई डाउट हो तो बेशक पूछ सकते कर लिया दिस इज ओके ठीक है अब आगे करते हैं तो ये 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 देखो ये अभी मैंने करके दिखाया दिस इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग जो अभी हमने करा है ठीक है इसको स्किप कर सकते हो एक और चीज करनी है चलो पहले मैं और चीज तुम्हें समझा देती हूँ ये देखो पता है अच्छा मैं अभी कॉपर के बारे में बताती हूँ ध्यान से देखना होता क्या है अब किसी ने कहा नहीं हमें तो कॉपर प्लस से कॉपर का निकालना अब बताओ कैसे करेंगे तो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करेंगे उसने कहा दो डब्बे ले लो दो डब्बे ले लेना एक डब्बे में तुम क्या कर दो कॉपर रख दो और अंदर कॉपर सल्फेट रख देना एक डब्बे में H प्लस का सॉल्यूशन रख दो यहां पर ऐसे से वायर से बना दो ये यह हाइड्रोजन यहां पर एब्जॉर्ब होगा ये जा रहा है यहां यहां से वोल्ट मीटर लगा दो और यहां दो और पर सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर ठीक है उसने हमें ये वाला राइट हैंड साइड पे और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे रख के नहीं दिया यार मैं अगर बोर्ड से ऐसे देखूं तो मेरे लिए कॉपर और कॉपर सल्फेट राइट हैंड साइड पे हैं अगर मैं इस दीवार के पीछे जाके देखूं तो मेरे लिए कॉपर और कॉपर सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे ना भाई कोई चीज लेफ्ट या राइट में रखने का मतलब ये नहीं है कि वो एनोड है या कैथोड है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता अब मैं यहां से देख रही हूँ मान लो मैं सामने से देख रही हूँ राइट होगा ये मेरा लेफ्ट होगा अब मैं ऐसे खड़ी हो जाओ तो ये मेरा राइट हो गया ये मेरा लेफ्ट हो गया समझ रहे हो ना तो यहाँ यहाँ रखने का मतलब ये नहीं कि एनोड है या कैथोड है वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ गई ठीक है वोल्ट मीटर पे कुछ रीडिंग आ गई लेट्स जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट ये वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है ठीक है फिर हमने कहा आ तो, ये तो क्या होनी चाहिए दिस शुड बी ई नॉट ऑफ द सेल और ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं ई ई नॉट नॉट कैथोड माइनस एनोड और हमें कैसे पता चलेगा मैम कैथोड कॉपर सल्फेट वाला है थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कॉपर पे यहां पर ना डिपॉजिट हो रहा है कॉपर का मतलब कॉपर की जो थिकनेस है वो बढ़ती जा रही है मतलब वो कैथोड बना होगा उस पर रिडक्शन हो रही होगी ठीक है तो ई नॉट सेल कितना जीरो पॉइंट थ्री फोर इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर टू प्लस ए कॉपर -0. आ गया ना आंसर तो तो कॉपर सारे, मतलब सारे सारे एक बात तो इतनी समझ आ गई है कि जब भी ये जो जितने भी पोटेंशियल्स निकाले ना इन्होंने ऑक्सीडेशन भी निकाल सकते थे रिडक्शन भी निकाल सकते थे इन्होंने चीज को आसान बनाने के लिए चीजों को आसान बनाने जैसे तुम देखना यहां पर क्या निकला रिडक्शन पोटेंशियल निकला ना जबकि जिंक के केस में याद है क्या निकला था कहाँ गया ऑक्सीडे पहले ये पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकला था बट फिर हमने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में कर लिया है ना तो कोई किसी के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा किसी के लिए रिडक्शन निकलेगा तो हमने कहा यार फिर कंफ्यूजन को अवॉइड करो एक काम कर लो कन्वेंशन मान लेते हैं भाई जब साइंटिस्टों को कन्फ्यूजन होती है तो कहते हैं कन्वेंशन है और ज्यादा कन्फ्यूजन होती है तो कहते हैं एक्सेप्शन है है ना कन्वेंशन और एक्सेप्शन के बीच में साइंटिस्ट घूमते ही रहते हैं नो ऑफेंस टू एनीवन जस्ट ये एक किडिंग वाला था ठीक है अब तुम ऐसे सीरियस मत हो जाया करो तो एक कन्वेंशन मान ली गई कि जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रखोगे ना तो ट्राई करना कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में तुम रखो ठीक है अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाती हूं इन्होंने क्या किया सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल लेट मी रिपीट माय वर्ड्स जितनी की ना, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया increasing order मतलब सबसे सब नीचे आ जाएंगे पॉजिटिव वाले जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के, के तौर पर समझाती हूँ ये देखो ये हमारी टेबल है ध्यान से देख लो ठीक है या ऐसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो मतलब इंक्रीजिंग में चाहे नीचे से ऊपर कर दो चाहे ऊपर से नीचे कर दो एनसीआर टी की टेबल है अब तुम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को उठा के देखोगे ठीक दे है कई जगह पॉजिटिव वाला ऊपर दे रखा है नेगेटिव वाला नीचे दे रखा है कई जगह नेगेटिव ऊपर दे रखा है पॉजिटिव नीचे दे रखा है ठीक है तो मैं तुम्हें एनसीआरटी के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ चीज एकदम सेम रहेगी बस कई बुक्स में इसको शफल कर देते हैं और कुछ नहीं है देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर लिथियम प्लस की इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया टू फॉर्म लिथियम सॉलिड मतलब लिथियम प्लस का रिडक्शन हो रहा है समझना इस टेबल को समझना आधे बच्चे यहीं पे बेचारे वो हो गए कि मैम इतना सारा रटना है हमसे तो नहीं हो पाएगा कोई तुम्हें रटने को कुछ नहीं बोल रहा इस पूरी टेबल में से नॉट इवन अ सिंगल थिंग यू हैव टू मग अप कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं रटना इसको समझ लो एक बार चीजें समझ आ गई तो तुम्हारी इनऑर्गेनिक भी बहुत धासू हो जाएगी इसी चीज के बेसिस पे तो इनऑर्गेनिक का डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक का रिडॉक्स रिएक्शन सब कुछ इसी के बेस पे है ठीक है बस समझ लो रटना नहीं रिडक्शन के बारे में बात करूंगी किसके बारे में रिडक्शन लिथियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया लिथियम में लिथियम तो एक मेटल है ना और बहुत अच्छा मेटल है तो लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करे ऐसी उसकी टेंडेंसी ही नहीं है तो so, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम है मतलब माइनस जीरो माइनस थ्री पॉइंट जीरो फोर थ्री पॉइंट जीरो फोर का मतलब कि मतलब बहुत स्ट्रांगली और माइनस का मतलब वो बहुत strongly electron का accept नहीं करना चाहता। रादर अगर इसको तुम उल्टा करके देखो कि lithium, lithium plus से uh, lithium, lithium plus और electron में कन्वर्ट होगा तो उसकी tendency होगी 3.04 3.04 मतलब उसकी स्ट्रेंथ है कि मैं फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाऊँ समझ रहे हो आगे देखो Na प्लस अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है Na तो उसकी वैल्यू माइनस टू पॉइंट सेवन धीरे धीरे कम होती जाएंगी Fe2+ दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अगर Fe में कन्वर्ट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव आगे देखो अब लेड टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके लेड में कन्वर्ट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री तो धीरे धीरे हम नेगेटिव से जीरो के टू अप्रोच कर रहे हैं तो सेंटर में आया हमारा टू एच प्लस नॉट इन द सेंटर बट एक हमने इसको फिगर मान लिया रफ कि भाई ये अगर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा तो इसकी पोटेंशियल है जीरो मतलब ये ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा रिड्यूस भी हो जाएगा अब ध्यान से देखना जैसे जैसे तुम हाइड्रोजन के ऊपर जाओगे जैसे कॉपर टू प्लस अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म कॉपर देख रहे हो और जब ये पॉजिटिव है है मतलब इसका मतलब इसका कि मैं रिड्यूस होना चाहता हूं अगर मैं लिखती कॉपर अगर कॉपर टू प्लस में कन्वर्ट होता तो वो आता माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर मतलब मैं ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता और धीरे धीरे ऊपर चलते जाओ जैसे एजी प्लस अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाएगा एजी तो उसकी वैल्यू है जीरो पॉइंट एट जीरो मतलब ये तो कॉपर के कंपैरिजन में भी ज्यादा जल्दी रिड्यूस होना चाहता है और ऊपर जाओ देख रहे हो F2 अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म एफ माइनस तो उसकी टेंडेंसी है मतलब ये फटाफट फटाफट रिडक्शन शो करेगा ठीक है इसी टे, इसी टेबल को हम क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जहां पर हमने सारे एलिमेंट्स की है ना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बता दिया लिखेंगे किसके टर्म्स में रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में या यहाँ तक सारी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई है ठीक है अब तुम सोच रहे हो कि मैम इसको याद करें ना करें बहुत सारे तुक्के हैं याद रखने के देखो मैं तुम्हें एक आधा बता देती हूँ लेके नाम महान अली का या लेके महान अली का नाम जिंदा कोई है कौन सीढ़ी फेंको नीचे होंगे पंडित कलावती ठीक है ऐसे बड़े सारे निमोनिक्स हैं मैं कहती हूँ इतने निमोनिक्स इतनी टेबल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है नथिंग कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है बचपन में ना एन में हमें एक टेबल दे रखी थी एनसीआरटी ग्रेट टेंथ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके चैप्टर है के एन ए सी एम जी एल जेड एन एफ पी बी एच सी यू एच जी ए जी एयू ये याद है मैंने बचपन में यही रट रखी थी के एन ए सी एम जी एल जेड एन एफ ई पी बी एच सी यू एच जी ए यू के एन ए सी एम जी एल जेड एन एफ ई के एन ए सी एम जी के एन ए सी एम जी एल जेड एन एफ ई पी बी एच मतलब ऐसे वो बोलते जाओगे याद हो जाएगी के एन ए सी एम जी एल जेड एन एफ ई पी बी एच सी यू एच जी ए जी यू के एन ए सी एम जी एल जेड एन एफ ई पी बी एच सी यू एच जी ए जी यू हो गया अब इसमें क्या करना ध्यान से देखना हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है जीरो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी होंगे ये तो मेटल होंगे ना मतलब इनकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ जाएगी नेगेटिव रिड्यूस नहीं होना चाहेंगे और ये जो हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं ये तो कम मेटलिक है ना मतलब ये यस yes, ये अपने इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव ठीक है मतलब जो मोस्ट कॉमनली यूज एलिमेंट्स होंगे अगर तुम्हें पता भी होना चाहिए तो सिर्फ यही सीरीज याद कर लो वो पूरी की पूरी रटने की जरूरत नहीं है हमारे क्वेश्चंस में हर चीज गिवन होगी ठीक है वैल्यूज वैल्यूज गिवन होंगी को इंटरप्रेट करना हमें आना चाहिए दैट इज एन थिंग ठीक है अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ ठीक है पहले ये देख लो मान लो अब उसने रैंडमली दे दिया एक सिल्वर और कॉपर का हाफ सेल हमें दे रखा है क्या एक सिल्वर और कॉपर का हाफ सेल हमें दे रखा है और वो पूछना बताओ एनोड कौन सा बनेगा कैथोड कौन सा बनेगा ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे हमारे पास एक एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करना है एक सिल्वर का हाफ सेल है एक कॉपर का हाफ सेल है कैसे पता चलेगा कौन एनोड है कौन कैथोड है तुम्हें कुछ नहीं करना ई नॉट वैल्यूज दे रखी होंगी जैसे ई नॉट ऑफ ए जी प्लस से एजी दे रखा है जीरो पॉइंट एट जीरो मैंने कहा था ना ये ए जी कॉपर जिंक ये बहुत बार यूज होते हैं सो ई नॉट ऑफ कॉपर टू प्लस से कॉपर दे रखा है जीरो पॉइंट थ्री फोर कैसे पता चलेगा कौन एनोड है कौन कैथोड ध्यान से देखो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों में से रिड्यूस कौन ज्यादा होना चाहता है ए जी प्लस रिड्यूस होना चाहता है ना so जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बन जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड बन जाएगा बस छोटी सी बात है ठीक है और अगर एनोड बनेगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे कि मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन होगी मतलब कुछ इस टाइप सा ना ये कॉपर कॉपर टू प्लस तो देखना कॉपर कॉपर टू प्लस में जाएगा फिर सॉल्ट ब्रिज लगाओ एजी प्लस एजी में जाएगा तो so, ये हमारा सेल बन गया ऐसे कोई भी आ सकता है सपोज ही वुड हैव गिवन डेनियल सेल तो जैसे Zn E0 Zn2+ से Zn ठीक है ये कितना था -0.76 और E0 कॉपर 2+ से कॉपर ये कितना है 0.34 अब खुद समझदार हो तुम बताना ये रिड्यूस होना ही नहीं चाहता नेगेटिव में है ये तो फटाफट से रिड्यूस होना चाहता है तो कैथोड क्या, क्या बन जाएगा ये और एनोड क्या बन जाएगा ये समझ आ गया सबको अब मेरे ख्याल से सारे के सारे डॉट्स को तुम ज्वाइन कर पा रहे हो सारे के सारे पत्ते आपस में क्लियर होते जा रहे हैं है ना एक लास्ट टॉपिक करा देती डू वी हैव टाइम आई थिंक वी हैव फाइव मोर मिनट्स फाइव सेवन मोर मिनट्स वी हैव उसके बाद हम क्लास वाइंड अप कर देंगे ठीक है

इट शुड अंडरगो रिडक्शन उसकी खुद की रिडक्शन होनी चाहिए तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा है ना अब एक बात बताओ अगर किसी का ए प्लस से ए मतलब ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसी का ज्यादा है मतलब कोई चीज खुद बहुत ज्यादा अच्छे से रिड्यूज होना चाहती है इसका अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब वो खुद की रिडक्शन कराएगा अगर वो खुद की रिडक्शन कराएगा मतलब इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ आ रही है बात देखना ऑन द अदर हैंड मान लो अगर किसी का ई नॉट ए प्लस से ए नेगेटिव है मतलब वो खुद की रिडक्शन कराना ही नहीं चाहता इट डज नॉट वॉन्ट टू अंडरगो रिडक्शन या फिर ये नहीं तो ऐसे समझ लो तो जिसका ए नॉट ए प्लस से ए नेगेटिव है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ना उसका ए से ए प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब वो वो विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, खुद की ऑक्सीडेशन कराना चाहेगा मतलब इट विल एक्ट गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात सबको समझ आ गई तो जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है as समझ आ ये बात यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है the will will have more tendency to undergo reduction, so they will act as strong oxidizing agent. पूरे पूरे I mean जिसको सारे पॉइंट समझ आ गए हो उसी को ये वाला पॉइंट समझ आएगा अगर किसी को कोई भी पॉइंट स्किप हुआ हो तो ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ सकता ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है दिस यू विल डू एट होम यू विल होमवर्क क्यों दे रहे हो पहले कराओ तो सही तो मैं पहले करा देती हूँ ये जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन विल बी टेकिंग एज होमवर्क क्वेश्चन पहले ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो क्वेश्चन क्या है बस ये लास्ट स्लाइड है एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं गिवन कुछ दे रखा है हमें सीएल से सीएल रिडक्शन हो रही है कितना पोटेंशियल है वन सी आर थ्री प्लस से सी आर रिडक्शन हो रही है कितना माइनस जीरो पॉइंट सेवन फोर सी आर टू ओ सेवन से सी आर थ्री प्लस मतलब क्रोमियम प्लस सेवन से प्लस थ्री में जा रहा है पोटेंशियल कितना है oh, प्लस थ्री में जा रहा है और एम एन ओ फोर माइनस प्लस सेवन से प्लस टू में जा रहा है पोटेंशियल कितना Question है क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सोच समझ के आंसर देना सोच समझ के आंसर देना सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे की रिडक्शन करे भाई किसी और की रिडक्शन करे मतलब वो खुद की ऑक्सीडेशन करना चाहिए और खुद की ऑक्सीडेशन कौन करेगा विच वन वुड लव टू अंडर ऑक्सीडेशन जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा देखना इन सबका तो ये सब तो चाहते हैं कि हम रिड्यूस हो जाए ऑल ऑफ देम वांट कि हम रिड्यूस हो जाए एक्सेप्ट दिस ये नेगेटिव वैल्यू है ना अब इसको अगर मैं ई नॉट लिखू क्रोमियम से लेके क्रोमियम पॉजिटिव क्रोमियम थ्री पॉजिटिव इसका आंसर है जीरो पॉइंट सेवन फोर वोट समझ रहे हो क्रोमियम चाहता है कि मैं खुद की ऑक्सीडेशन कराऊ अगर क्रोमियम खुद की ऑक्सीडेशन कराएगा तो इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ये तो है नहीं ये है नहीं अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे मैम सी आर थ्री प्लस या सी आर क्रोमियम थ्री प्लस अपनी ऑक्सीडेशन करा सकता है कहीं पे किसी में दे रखा है क्रोमियम थ्री यहां पे क्रोमियम थ्री प्लस अपनी ऑक्सीडेशन कराएगा आंसर आ जाएगा माइनस वन पॉइंट थ्री थी नहीं ना बट क्रोमियम अगर क्रोमियम थ्री प्लस अगर क्रोमियम खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सो इसका आंसर आ गया डी क्रोमियम सुपर सिंपल क्वेश्चन बस एक बार क्वेश्चन को समझने की देर थी अब ऐसे सारे क्वेश्चंस मेरे एसवी आइटम आराम से सॉल्व कर लेंगे 2017 का क्वेश्चन मैंने करा दिया है 2013 का क्वेश्चन इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे है या मैं ये कहूँ 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था इसी का कॉपी ट्वेंटी में पूछ लिया मतलब जेई वालों का काम ही यही है पहले चार साल पहले एक क्वेश्चन पूछो उसी को रिपीट करके पूछ लो उनके पास कोई काम धाम तो है नहीं तो यही वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ऐसे ही फालतू फंड के क्वेश्चन जेई मेन में आते हैं और तुम रोया पिटा मत करो सब कुछ सिंपल सा पेपर आएगा ठीक है चलो सो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है नाउ आई विल बी मीटिंग यू ऑल वंस अगैन इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक एंड आई कैन वेरी इजिली से जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं मेन और एडवांस का छोटू से छोटा मोटू से मोटा सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे ठीक है सो दैट इज़ इट फॉर टुडे अच्छा जो बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं गाइज़ यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर तुम्हें YouTube पे पढ़ के अच्छा लग रहा है मतलब अगर तुम्हें लगता है कि मैं जिस तरीके से YouTube पे पढ़ा रही हूँ दैट इज़ गुड अनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड तुम्हें केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा है यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली गो फॉर प्लस का सब्सक्रिप्शन क्योंकि वहाँ खाली मैं नहीं बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं ठीक है थीके? और अगर हर एक से भी तुमने पढ़ लिया भाई साहब मतलब मैं कहती हूँ केमिस्ट्री के इतने सारे टीचर्स हैं तुम तीन चार पाँच टीचर्स चूज कर लो उनसे भी तुमने पढ़ लिया तुम्हारी केमिस्ट्री एकदम प्रो हो जाओगे तुम केमिस्ट्री में ठीक है सिमिलरली मैथ्स में इतने सारे टीचर्स हैं फिजिक्स में तो वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द क्लासेस सारे टेस्ट दे सकते हो परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो मतलब इट इज वन कंप्लीट पैकेज इन इट दिस इज सो गुड और जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेंगे यू कैन यूज द कोर्स साक्षी लाइव मेरी प्लस पर अगेन एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है ठीक है सो डेफिनेटली यू कैन यूज द कोर्स टू गेट द द्लस टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा इफ यू यूज माइ पर्टिकुलर कोड ठीक है प्लस के साथ जो बच्चे आइकॉनिक खरीदना चाहते हैं तो ये नहीं कि प्लस अलग लेना आइकॉनिक अलग लेना है ऐसा नहीं है आइकॉनिक इज अपर सेट ठीक है मतलब उसमें प्लस इंक्लूडेड है तो प्लस तो है ही है साथ साथ यू विल ऑल्सो मेंटर यू विल बी असाइन वन मेंटर थ्रू आउट यूर स्टडीज तुम्हें गाइड करेंगे तो so, आइकोनिक लेना भी काफी अच्छा है जिन बच्चों को लाइफ में ऐसे deviation हो जाती है कि भाई हम तो डेविएट हो जाते हैं पता नहीं चलता कब पढ़ना है कब सोना है, तो है। यहाँ पर भी सेम कोड यूज करोगे तो यू विल भी गेटिंग टेन परसेंट का डिस्काउंट ठीक है चलो लेटेस्ट से आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट था ठीक है तो तुम डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो बट इन केस जल्दी जल्दी आंसर चाहिए तो वट यू डू डाउट की फोटो खींचो स्नैप करो ठीक है क्रॉप कर लो अपलोड कर दो डाउट सेक्शन में अनअकेडमी की लर्निंग ऐप पे सेंड इट टू तो द टीचर बहुत जल्दी से यू विल बी गेटिंग आंसर टू योर क्वेरीज ठीक है चलो दिस इज माय आईडी डी फॉर अनअकेडमीज लर्निंग ऐप वहां पर मेरी ये आईडी है इसको फॉलो कर सकते हो ठीक है बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस पर्टिकुलर आई ताकि मेरा ज, जैसे ही प्लस का कोर्स आएगा या अगर मैं स्पेशल क्लास लेती हूँ तो यू कैन बी नोटिफाइड फॉर द सेम फाइन एंड इस चैनल पर मैं अपना टू हंड्रेड परसेंट देखे तुम्हें तो पढ़ा रही हूँ सो ऑल माई एस वी आइटम्स इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेक श्योर यू आर शेयरिंग दिस पर्टिकुलर चैनल विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन बिकम एस वी आइटम्स मतलब ये मेरा एक ड्रीम है है ना कि मेरे एस वी आइटम्स इतना अच्छा पेपर करें कि मतलब सब देखते रह जाए कि भाई साहब ठीक है वो तभी पॉसिबल है जब ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर चैनल so make sure you are also a subscriber you are also an sv atom okay thank you very much i'll be meeting you very soon take care bye bye